Hello my lovelies, how you are? Hope that you all are safe and good. So welcome back to my channel again. So guys, आज ये reception, अगर आप लोगों ने मेरा बारात वाला vlog नहीं देखा तो फटाफट जाके देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा. सो आज रिसेप्शन है, मतलब कि वलीमा है, और ये vlog मैं स्टार्ट करी 5:30 बजे. आज मैं ट्यूशन भी नहीं गई, तो फटाफट इस vlog को कंटिन्यू करते हैं एंड आगे देखते हैं क्या क्या होगा. जो मैंने कटिंग करवाई थी ना यार, वो तो मतलब दिख रही है, बट अभी इतनी नहीं दिख रही क्योंकि आज मैंने हेड वॉश करा था, शावर वगैरह लिया था ना ऊपर से, मतलब सब कुछ ही लाइक मैंने अपने बालों को वॉश किया था और कंडीशनर लगाया था, तो उस वजह से एक थोड़े से उड़ भी रहे, और अभी मैं थोड़ा सा लाइक स्ट्रेटनिंग करूँगी ना तो ठीक हो जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, तो हो ही जाएंगे, इतने कर लिए नहीं है ना इस वजह से. तो अभी आज हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे रिसेप्शन में, क्योंकि आज हमारे घर के बहुत सारे मेम्बर आने वाले हैं. उस दिन तो बहुत कम थे बारात वाले, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाई, बट आज यू ना भर भर के आने वाले, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ मतलब जितने भी होंगे सबों से मिलवाऊंगी भी. मैं इसलिए नहीं मिलवा पाती हूँ यहाँ पर कहती हूँ, बट वहाँ पर इसलिए नहीं मिलवा पाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइक शर्मा जाती हूँ. जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी, तो उस वक्त मतलब मैं थोड़ा शर्मा जाती हूँ, सुबह से मैं नहीं मिलवा पाती. बट आज अपने अंदर हिम्मत को पैदा करके आप लोगों को जरूर 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 मिलवाऊंगी. तो फटाफट से इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं. एंड यस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बहुत सारे शेयर भी कर दो. सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस ब्लॉग. मेरा आउटफिट मतलब बहुत अच्छा है, एक वाइट कलर का यू नो ऊपर सूट एंड नीचे शरारा है जो कि बहुत अच्छा लगता है. उसके ऊपर ब्राउन कलर का वर्क हुआ है, मुझे कि जो मतलब जो उसके अंदर ब्राउन कलर का वर्क हुआ है ना, आज मैं ब्राउन में अपनी थीम बनाऊंगी, जैसे कि ब्राउन कलर के बैंगल्स पहनने की, ब्राउन कलर की एक्सेसरीज, ब्राउन कलर की लिपस्टिक, ब्राउन कलर का आई शेडो. सो मतलब ना एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाएगा. एंड फटाफट से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं गाइस. अगर आपको नहीं पता कि मैंने कौन सा कटिंग करवाई थी, तो वो भी आपको पता चल जाएगी मेरे बारात वाले ब्लॉग में, तो जल्दी बारात वाले ब्लॉग पर देख लो. एंड जो भी आगे होता है मैं आपको सब कुछ दिखा के रहूँगी. आज वली वाले दिन है, मतलब बहुत जोर से तबियत ख़राब है, तो बस अल्लाह पाक सब बहुत तबियत ठीक कर दी, क्योंकि ना ऐसे बस ख़राब में कहीं कभी आओ ना हो तो मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तो बातचीत करना है, इंजॉय करना है इस वजह से. तो फटाफट से आगे चलते हैं, इस ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. अगर आगे कुछ भी होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी फटाफट से, ठीक है क्या होता है. वी आर एट ऐसे सलोन, मैं अपने मामे के सलोन में आई हूँ, सलोन तो नहीं बट जी एस मेरे नाना के घर है. तो सबसे पहले मैं अपनी बहन की स्ट्रेटनिंग करवा रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटनिंग करवाऊंगी, ताकि जो मेरी फ्लिक्स है ना इनका और अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाए. ऑलमोस्ट मतलब 8 बज चुके हैं, सो लेट्स सी हम लोग कब तक जाएंगे, कब तक हमारी स्ट्रेटनिंग कम्प्लीट हो, क्योंकि बहन अभी तो उसी चमन पार्लर है बहुत ज़्यादा. तो गाइस वहाँ से आने के बाद हाउ माई हेयर समथिंग लुक्स लाइक, स्ट्रेट तो लग ही रहे हैं बट मैंने यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करवाए सो दैट ये जो फ्लिक्स हैं अच्छी से नजर आएँ. एंड अभी फटाफट अपना आउटफिट पहन के आती हूँ, देन आफ्टर दैट आई विल डू माई मेकअप एंड सम आइसिंग. पर सबसे पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ, जल्द से उसको पहन के आती हूँ. पहन लिया है, मेरा आउटफिट था वाइट बट मैंने चेंज करके येलो पहना, एंड मैं थोड़ा सा मेकअप भी कर दिया, जस्ट मेरा लाइनर रहता है. एंड आफ्टर दैट मैं अपने कोई से हेयर स्टाइल बनाऊँगी एंड देन हम लोग चलेंगे. तो जी ये है एक लाइक फ्रॉक काइंड कह सकते हो आप लोग, जो पूरी बहुत ज़्यादा नीचे तक जाती है, इसके नीचे पजामा है एंड उसका दुपट्टा ये रहा, दिस हाउ इट समथिंग लुक्स लाइक. तो फटाफट से पूरा रेडी रहती हूँ, आफ्टर टेबल चाहिए होगा इसकी मैं कैसी लग रही हूँ, और आप लोगों को मिल रहा है कि आप लोगों को मेरा मेकअप और मैं कैसे लग रही हूँ. एज आई एम डन, मैंने अपने दुपट्टा वगैरह पहन लिया. नेक्स्ट सीरीज के लिए आई हैव दिस इयर रिंग्स एंड इसी का सेम नेकलेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ दीज कड़ाज एंड चूड़ियाज. तो फटाफट चलते हैं, क्योंकि आज हम लोग अपने मामों के साथ जाएंगे, क्योंकि मेरे मामों की भी थी इन्विटेशन, उनका इन्विटेशन था इस वजह से. सो फटाफट से चलते हैं. इट इज माय फुटवेयर, सो लेट्स गो.
told him. One of my favorite. And now we are so happy. अभी हम लोग कुछ gossipings कर लेते हैं, after that we will meet you. शादी almost end हो चुकी है, सब लोग चले गए, बस हम हैं और उस्मान बचे हैं. Say hi. अभी और भी लोग हैं, but फटाफट से इस vlog को हम लोग शायद आगे end करें. और ये फिर से आगे दोबारा मेरे vlog में आती है. मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड इफ आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना. सो गाइज, हमारी शादी यहीं पे एंड होती है. मैं सब को मेकअप वगैरह उतार दिया. मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक बाय बाय.